वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। पहला तो दोस्तों अपने पिंडां विच सारिया ने मते पा ले आ, साढ़े भी संघा फ्लाई सेंटर वाले मेहरबान भाजी काले संघियां तो हरेक हफ्ते एक बस से एक गड्डी संगत की लैके इतने आते, असं उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो बाकी ताडे चरणों में मैं एक बेनती करना चाहना हाँ, आपां अपना ध्यान परमात्मा नूं कर लईए तां कि जित अपने मगर आप चल के आवे, क्योंकि आपां जाणदे हां जदों आपां सूरज जल नूं पिट कर लईदी आ परछावा अपना मोहरे हो जाता है, परछावे के मगर जिदा मर्जी दौड़ी जाओ परछावा हथ नहीं आता, पर जदों अपना मूँह सूरज जल नूं हो जाता है परछावा आप मगर चल के आता है। इसलिए अपना ध्यान परमात्मा नूं ला लो, ताडी जित जरूर होगी, तुहानू कोई नहीं जितण तो रोक सकता। बाकी आपां जिहड़ा 25 26 27 28 तरीक नूं जो हड्डी हंडाया इत्थे रह के उहदे उत्ते एक गीत लिखिया सी, सो सुनो जी। कदे तां तूं चाड़ देना है सिखरां उत्ते गुड्डी, कदे तां तूं चाड़ देना है सिखरां उत्ते गुड्डी, कदे तां तूं कर देना है भरी कौली मुद्दी, कदे तां तूं कर देना है भरी कौली मुद्दी। इन्हां चोज निरालियां दा रूप इक जावे इक आवे, इन्हां चोज निरालियां दा रूप इक जावे इक आवे, रब्बा तेरियां रंगां नूं मेरी सोच समझ ना पावे, रब्बा तेरियां रंगां नूं मेरी सोच समझ ना पावे, मेरी सोच समझ ना पावे। कौन पराया कौन अपना आपे वक्त सिखाउंदा, कौन पराया कौन अपना आपे वक्त सिखाउंदा, जिस मूर्ख दी मत ए थोड़ी ओ भी ताक जमाउंदा, जिस मूर्ख दी मत ए थोड़ी ओ भी ताक जमाउंदा। डिग के ही बंदे नूं संभलण दा बल आवे, रब्बा तेरियां रंगां नूं मेरी सोच समझ ना पावे, रब्बा तेरियां रंगां नूं मेरी सोच समझ ना पावे। मसा मसा ही बेर डुले पाए अपनी झोली, मसा मसा ही बेर डुले पाए अपनी झोली, कन्ना दे विच रूह भर के हो गई दुनिया बोली, कन्ना दे विच रूह भर के हो गई दुनिया बोली। केड़ा पहल करके इत्थे रुसियां नूं मनावे, रब्बा तेरियां रंगां नूं मेरी सोच समझ ना पावे, रब्बा तेरियां रंगां नूं मेरी सोच समझ ना पावे। जमशेर वाले आ तेरे वर्गे वेलड़ जै इंसान, जमशेर वाले आ तेरे वर्गे वेलड़ जै इंसान, समझदारां नूं समझाउंदे ना चंगे लगीए मोंटी मान, समझदारां नूं समझाउंदे ना चंगे लगीए मोंटी मान। दस दे जग दे पालन हारिया क्यों सानू अजमावे, रब्बा तेरियां रंगां नूं मेरी सोच समझ ना पावे, रब्बा तेरियां रंगां नूं मेरी सोच समझ ना पावे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद मोंटी मान। हुण मैं बेनती करूँ गमदूर सिंह रायपुर सिद्धू सिद्धूपुर के सिपाही आगू, इन्हों तो बाद प्रगट सिंह चंबा कला किसान संघर्ष कमेटी कोटबुढ़ा पंजाब, वो तैयार रहन। परम सत्कारयोग इस किसान मोर्चे दे विच आए मेरे वीरो, सब तो पहला दा फतेह प्रवान करो, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ए वीरो जो अपने ते इन्हें तिने कानून लागू करने चाहे, अपा ये सरकार नूं वापस कराने वास्ते 74 75 दिनों तो इस मोर्चे ते बैठे हाँ।
अजे भी कुछ मेरे वीर पिंडां दे विच बैठे हैं जो के ओ अपना फर्ज समझते हुए हफ्ता हफ्ता इन्हां बारी बन के इस अंदोलन दे विच आओ। मैं उन्हां मजदूर वीरां नूं भी बेनती करना चाहना जो खाद रेह दा दवा दा काम करते हैं वह भी किसानी दे नाल जुड़े हुए हैं। मैं उन्हां वीरां नूं भी बेनती करदा कि वह इत्थे आउण इस अंदोलन दे विच हिस्सा लैण। जदों लॉकडाउन लग्या होया सी किसे पासे भी किसे नूं काम नहीं मिलिया उस टाइम किसानां दे खेतां दे विच उन्हां नूं काम करन दा मौका मिलिया। जो मेरे किसान दे भी मजदूर वीर हैं जो धान रोपने यहाँ आते हैं मैं उनको भी संदेश देना चाहता हूँ कि जब पंजाब के किसानों ने लाख लाख रुपया खर्च करके आपके लिए बसें भेजी और धान रोपने के लिए आपको काम दिया आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस आंदोलन के बीच आए यहाँ आपके अपना हिस्सा बंटाएं। और मैं एक अपने पंजाब का नैटवर्क बहुत तगड़ा जो अपना घरेलू नैटवर्क है जिदा इन्हों मजदूरों के नाल अपना जोड़ा कंपेन सिस्टम है हर स्टेट के अपनिया कंपेन जानिया जिन्हें मेरे वीर उत्थे बैठे हैं हूँ सानू सुन रहे हैं वह भी उन्होंने पिंडों जागरूक करना जो कि जिन्हिया भी अपनिया पंजाब दिया कंपेन बाहर चल रही बाहर जाएगियाँ और सारे किसानी झंडे ला के अपना सीजन ला जो कि इस अंदोलन में बहुत भरमा हंगारा मिलूगा। मैं फिर बेनती करता उन्होंने वीर जेडे जिथे जिथे भी बैठे हैं वह इस अंदोलन के बच्चे आते इतने आके रौनक बधा जो ये सरकार किस्म दरकार जदों अपने हल चलते सके जो पिंड के सड घूमते सके ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦੇ ਨਕੌੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਕੌੜਾ ਪਾਉਣਾ ਯੋਗ ਕੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਹਿਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਾਵਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਵਧਾਓ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏ। मैं इन्ना कुछ कहना होया फतेह बुलाना वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं बेनती करूँगा प्रगट सिंह जी चंबा कला किसान संघर्ष कमेटी कोटबुढ़ा ते इन्हां तो बाद सतनाम सिंह सानी भारतीय किसान यूनियन दुआबा जनरल सकत्तर वो तैयार रहन। प्रगट सिंह जी मेरे बहुत ही सत्कारयोग वख वख जथेबंदियों के आगू साहबान पंडाल च बैठे मेरे बहुत ही सत्कारयोग किसान भराओ तो मेरी वह भैनों वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पिछले कोई ढाई महीनों तो आप संघर्ष विढ के बैठे हाँ जिहड़ा मोदी सरकार समय समय से चाला चल रहा भी इन्हों किस तरह फेल करना वा अगे इतने आगू दस के गए आ भी मोदी ने सारा टेला लिया इतने बाबा जी बोल के गए आ मोदी ने कोई यहो जी गल नहीं रही जी इतने नहीं कि ना की हो किस तरह इन्हों फेल करना वा आप पहला पंजाब दे विच दो ढाई महीने जो लड़िया वा संघर्ष टोलों से रेलवे ट्रैक के मॉलों से उतों मुढ़ बन के फिर आप जो दो महीने ढाई महीने तो इतने आए हाँ उदों बाद 26 की घटना तो बाद बड़ा इन्होंने फिर एक बार जोर लाया मोदी सरकार ने मतलब फेल करने वास्ते पर भराओ तुहाडे अगे सिर झुकदा वा क्योंकि तुसीं इस संघर्ष नूं होर चढ़दी कला वाले पासे लैके गए जे जिदा बाबा जी दस के गए होर इत्थे आगू दस के गए आ पिंडां दे विच मते सरबसंमति नाल पाए जा रहे आ भी असीं जिहड़े आ मतलब दस दस पंद्रह पंद्रह पांच पांच सिंघ जिहड़े आ रोज़ इत्थे भेजिया करांगे ते उह लगातार आ रहे आ जिदा इत्थे एक आगू बोल के भी गया भी आपां नूं इत्थे सिर्फ बहिण दी लोड़ आ सिर्फ आपां सिर्फ इत्थे कुछ नहीं करना बह के आपां जिहड़ा इहनूं गिणती नूं वधाउणा वा वो तुसीं वधा भी रहे जे आपां सिर्फ ते सिर्फ चार जिहड़ियां मंगां उहदे ते आपां इह संघर्ष विढ के बैठे हाँ ना कि उस तों बाहर कोई नहीं सिर्फ चार मंगां वा अपणियां केंद्र सरकार दे जिहड़े
कॉले गल कर रहे थे आगू, मतलब पहली मंग अपनी यह है भी तीन जे सा काले कानून रद्द किए जा, जिदा तोमर कह के गया कल परसों का बयान आया वा भी दसो ये कला की आ, मतलब असी कहने ये चिट्टा की है सारे ही काले आ, ये साड़ी जमीन खोहण वाले कानून आ, पहले तीन काले कानून रद्द करने, दूजी बिजली एक्ट 2020 बंद करना, तीजा वा MSP बहाल करनी जी गरंटी करनी वो उस तरह बहाल रखनी जिस तरह पहला मेला पर सिर्फ दोवों रही आ अपने हरियाणे पंजाब नूं, आपां कहिंदे वी सारियां स्टेटां नूं मिलनी चाहीदी आ लगातार वो गरंटी की जाए। चौथा पराली वाला मुद्दा जिहड़ा ये लैके आ रहे आ जिहड़ा वा वह बंद करना, ये सिर्फ तो सिर्फ अपन चार मंगा वा, आपां कोई खालिस्तान नहीं मंग रहे इत्थे, मतलब इन्होंने 26 वाले दिन बड़ा वड्डा हुगा खड़ा किया वा सरकार ने, जी CID ने, जे जिन्ना भी ये मोदी मीडिया गोदी मीडिया ने, मतलब नैट भी बंद करके वेख लिया, सारा कुछ करके वेख लिया, पर भराओ जिदा इतने आगू पहला गल करके गए तुहानू कोई हरा नहीं सकता क्योंकि तुम सरबत दे भले की लड़ाई लड़ रहे जे, सच की लड़ाई लड़ रहे, सच की लड़ाई लड़ रहे जे, इस करके भराओ ये लड़ाई जितने वाले पासे आवाश जितांगे आपां, ये लड़ाई जित के फिर आपां घरों नूं जावांगे, आपां जदों पंजाब दे विच लड़ रहे सी उदों भी इन्हें बड़ा कुछ किया सी मोदी ने, कभी ट्रेना बंद कर दौ, कभी कुछ कर दौ, मतलब फिर भी आपां सारा कुछ करन तों बाद मतलब आपां दिड़ दे नाल इत्थे बैठे हाँ, आपां ते लड़ाई लड़ रहे अपने NI वीर जिहड़े बाहरों लड़ रहे अपने नाल, बड़ा वड्डा योगदान NI वीरां दा, वो इत्थे लंगर वास्ते रस्ता भेज रहे आ, माया भेज रहे आ, साडा संत समाज जिहड़ा वो इत्थे साडे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के चल रहा वा, मेरे कहण दा भाव भी कोई वर्ग इहो जिहा नहीं जिहड़ा तुहाडे लड़ाई दे विच शामिल ना होवे, इस करके आपां लड़ाई अवश्य जित्तांगे भराओ, आपां ये लड़ाई जित के लगातार आप जिन्ना चर मर्जी लग जाए ये परसों चौथ बयान आया डकैत का भी असं 2 अक्तूबर तक लड़ांगे, मैं तो कहना सानू भावें 24 तक भी क्यों लड़नी पै जाए लड़ांगे, लोगों ने पक्का धैया किया हो जिन्ना चर ये जड़े बिल आ रद्द नहीं होंगे जड़िया 3 मंगा होर पूरी नहीं करते असं उन्ना चर वापस घर नहीं जावे, जो मर्जी हो जाए यह लड़ाई जी जित के जावे, इन बेनती ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਓ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 2.25 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ दिल्ली दे इन्हां दरवाजिआं ते तिन्नां चारां पासिआं तों सारा देश दा किसान दिल्ली नूं घेरा पा के बैठा, लखां दी गिणती च किसान सिंघू बार्डर ते हजारां दी गिणती च जिहड़ा गाजीपुर बार्डर जिहड़ा UP वाला ते लखां दी गिणती अपनी टिकरी बार्डर दे उत्ते, इस तों बिना पलवल ते दूसरे बार्डरां दे उत्ते भी सारे देश दा किसान बहीरां कत्त के पहुंचिआ होइआ। वो किसान वीरों थोड़े सारियां दे सहयोग सदका संभव होया, 2-3 महीने जिहड़े अपने एजिटेशन चली पंजाब दे टोल प्लाजियां दे उत्ते रेलवे ट्रैकां दे उत्ते, ए उहदा सिट्टा है कि सारे देश दा किसान जा के इस अंदोलन च भाग लैण लई बहीरां कत्त के रजाना पहुँच रहा। शायद असी नहीं साडे तो जिहड़े दुगणी उम्र दे किसान आगू ने वह भी ये गल अपनी जवानों कहिंदे कि असी अपनी जिंदगी च एडा वड्डा ते इन्ना कामयाबी नाल चलण वाला किसान अंदोलन किसी ने नहीं देखिया, ये पहला किसान अंदोलन है जिहनूं देश की सुप्रीम कोर्ट की बार कौंसल ने मता पा के हमायत दित्ती है। शायद देश का पहला किसान अंदोलन होगा जिहनूं हमायत देण लई देश दीआं अलग अलग नामी यूनिवर्सिटियां दे वाइस चांसलर, नामी विद्वान, पत्रकार जगत दीआं हस्तियां ते पिछले कुछ दिनों तो विदेशों दीआं जिहड़ियां नामी हस्तियां जिन्हां दे पिछे करोड़ां फॉलोअर ने वह भी तुहाडे इस किसान संघर्ष की हमायत दे विच लगातार नित्र आए ने, अपनी सब की कामयाबी है। ये शायद आजादी तो बाद दा पहला किसान अंदोलन है देश का जिहदे च साडियां किसान बीबियां भैणां की बहुत भरमी हाजरी है, रोजाना सैकड़े नहीं हुण ते हजारां की गिणती च औरतां पंजाब हरियाणा ते उत्तर प्रदेश दे विचों ते देश दे बाकी राज्यां तों पहुँच के हाजरी लवा रही,
ये अपनी कामयाबी का संकेत है। इसे तो सरकार घबराई हुई है। सरकार ने बड़ा जाल बुनिया सी 26 तरीक तो बाद कि 26 तो बाद इस किसान अंदोलन बदनाम करने लई उन्होंने दिन रात एक कर दिता। जिहड़ा सरकार का वफादार मीडिया सारे मीडिया के उत्ते आपां उंगल नहीं उठाते, बहुत सारा मीडिया ऐसा जिन्हें दिन रात इस किसान अंदोलन नू दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने लई अपना साथ दिता। लेकिन जिहड़े सरकार के खरीदे हुए जिहड़े बड़े अदारे ने बड़े कारपोरेट घराणियां दा जिहड़ा टैलीविजन मीडिया उन्हें दिन रात सरकार का साथ देण दा यतन कीता। तो ऐसे ही करके इस अंदोलन नू कदे किसे तरह का इल्जाम ला के कदे किसे तरह का इल्जाम ला के बदनाम करन दा यतन कीता। पर देश की समुची किसानी ने जिद्दां सरकार दीआं चालां दा मूँह तोड़ जवाब दिता उहदे नाल वीरों उपरों उपरों सरकार जो मर्जी लगे लेकिन अंदरों सरकार दीआं चूलां ते नीआं हिलियां होईआं। ये थोड़े संघर्ष का नतीजा कि लगभग 2.25 महीने दिल्ली आने तो बाद प्रधानमंत्री नूं याद आ गया कि शायद देश में कोई किसान अंदोलन हो रहा। निक्की निक्की गल दे उत्ते ट्वीट करने वाले देश के प्रधानमंत्री अखां मीट के जिवें सुते पए सी पिछले 4-5 महीने तो वह कुंभकर्ण की नींद तो जागे ने। कल इत्थे जिहड़ी कठुआ कांड वह बच्ची दे पिता आया सी क्योंकि वह बड़ा कांड होया जिन्हें सारे देश नूं हिला के रख दिता सी 2 साल पहला। देश की सरकार ने नारे लाए बेटी बचाओ ते बेटी पढ़ाओ, वो सारे देश दे विच इन्ने कांड होगा जिहदे विच देश की सत्ताधारी सरकार दे अपने मंत्री इन्हां दी पार्टी दे नुमाइंदे शामिल सी उन्हां ते कोई कार्रवाई नहीं हुई। जदों देश की जनता ने जाके अंदोलन किया फिर उन्हां किते बंदियां ते परचे होए। कल भी जिक्र करके गए वकील साहब जिहड़े मलेरकोटले वाले जिहड़ा कठुआ का कांड सी उहदे दोषियों नूं बचाउण लई बीजेपी के 2 मंत्री कश्मीर जम्मू कश्मीर के उन्होंने जम्मू रीजन च तिरंगा यात्रा कढ़ी सी। देश का कौमी तिरंगा झंडा लैके दोषियों नूं बचाउण वाली भाजपा अज तिरंगे के सत्कार दीआं दुहाइयां दे रही है। जदों देश की आजादी च कितें निगाह मारो इतिहास ते यह बीजेपी ते RSS का एक नहीं जिन्ना योगदान है नहीं देश की आजादी लई जिहड़े देश के तिरंगे के उत्ते अज कब्जा करके अपना मारका ला के बैठना चाहुंदे आ। सो बेनती करांगे किसान वीरों एक तो बहुते भरम भुलेखे इस अंदोलन लिए पाए जा रहे हैं। अलग अलग तरह दियां फेक वीडियोज पा के किसानी नूं भरम भुलेखियां च पाउण दा यतन किया जा रहा। इस गल दा तुहानूं इस मंच तो भरोसा दिवाउणे आ कि समुचियां किसान जथेबंदियां पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश ते सारे देश दियां उह इकमुठ ने। उहनां दे आगूआं नूं बदनाम करन लई कुछ सरकार दियां ताकतां भाजपा दा ITSL कि जिहदा अरबां रुपए का बजट आ साल का वह लगा होया। तुसीं किसे उन्हां वीडियो दे उत्ते नकली खबरां दे उत्ते कदे यकीन ना करियो। जदों सरकार गलबात दी लै विच आऊगी कोई सरकार मनशा होएगी आपां उदों गल करन जावांगे। कल भी प्रधानमंत्री का बयान सी मीडिया सारिआं नूं घेर के पुछ रहा सी कि हुण तां प्रधानमंत्री कहिंदे जी एक फोन करो। वह वीरो सरकार दीआं जिहड़ीआं मीटिंगां हुंदीआं कदे फोन कॉलां नाल नहीं हुंदीआं। सरकार समा निश्चित करे, स्थान निश्चित करे, तरीक निश्चित करे, उहदा लिखती इनविटेशन जदों किसान जथेबंदियां नूं आऊगा उदों किसान जथेबंदियां गल लई जाणगियां। ते देश दा खेती मंत्री कल भी आपां मंच तो यह मंग कीती है कि उह किसान अंदोलन नूं बदनाम कर रहा, कल्ले सिखां दा अंदोलन आख रहा, कदे पंजाब दा कल्ले दा अंदोलन आख रहा, ते कदे कहिंदा इहनां बिल्लां च कुछ भी काला नहीं, किसान आगूआं ने पढ़िया नहीं। जिन्ने किसान आगू मीटिंग लई जांदे आ मेरा ख्याल बीजेपी दे मंत्रियों नालों उहदे च अद्धे वध पढ़े लिखे ने, वध डिग्री होल्डर ने। यह देश का पहला प्रधानमंत्री है जिहदी ना कोई डिग्री का पता, किहड़े स्कूल ते किहड़े कॉलेज किहड़ी यूनिवर्सिटी चों पढ़िया, एक भी देश का कोई ऐसा पुराना आगू नहीं जिहड़ा कह सके कि मैं नरेंद्र मोदी नाल किसे यूनिवर्सिटी कॉलेज विच पढ़िया। नहीं तो पुराने सारे प्रधानमंत्रियों दे जदों मनमोहन सिंह सी पाकिस्तान दे लोगों ने भी दावा किया कि असीं मनमोहन सिंह दे नाल स्कूल दे कॉलेज दे विद्यार्थी रहे हां। यह नकली डिग्रियां झूठ बोलण वाली सरकार रज के इहदे पाप का भांडा हुण भज चुका। 6 साल झूठ बोल के गुजार लै, कदे GST लाती, कदे नोटबंदी कर दिती, कदे कोई कानून पास कर दिता, और सारयां दे उत्ते कोई वड्डा अंदोलन शुरू नहीं होया। लेकिन देश की किसानी ने मूँह मोड़न का तहैया करके जिहड़ा अंदोलन शुरू किया आपां उहनूं अंजाम तक लिजाणा, तुहाडे सहयोग नाल लिजाणा। देश दे जिन्नी किसानी है वह एकजुट हो रही है। पंजाब तो अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, बंगाल,
बिहार वो मीडिया दिखा भी शक नहीं रहा, लेकिन इन सारिया स्टेटा का किसान अंदोलन कर रहा। वो राजधानी तो बहुते दूर होने करके दिल्ली च घट पहुँचते हैं, लेकिन जो भी आते हैं वो काफले बना के एक एक बड़ा वफद लैके सारिया स्टेटा के किसान आगू पहुँचते हैं। सो आप इनू योजनाबद्ध ढंग इंजाम तक चलाना, पहला तो बेमहारे आप आए हैं हरियाणे तो पंजाब तो उत्तराखंड तो कि गाजीपुर बार्डर के भी उत्ते जोड़े किसान है वो बजमा अंदोलन लड़ रहे हैं। आप असी बार बार मंच तो बेनतियां कीतियां कि पिंडां दे किसान आप बारियां पा लईए, कि बहुते पिंडां ने तो बारियां पा लईयां कि दस किसान आउंदे आ वो एक हफ्ता रह के जोड़े बड़े पिंडां उन्हों तो भी तीह किसान आगू जां बीबियां आउंदियां हफ्ते बाद पहले नवे आ जाते हैं पुराने मुड़ जाते। आप संघर्ष को लंबा चलाना, जदों सरकार मनूगी उन्ना चिर संघर्ष चलूगा। तो एक बेनती अपील करनी चाहना कि कल नूं पंजाब दे संगीत जगत दीआं नामी हस्तियां, पंजाबी संगीत ते फिल्म जगत दीआं नामी हस्तियां जिन्हां च जपजी खहरा, हरजीत हरमन, नछत्तर गिल, कुलविंदर बिल्ला, करमजीत अनमोल, मलकीत रौणी, वह कल नूं 2 बजे इह सिंघू बार्डर की स्टेज के उत्तों 2 बजे तो लगभग 3 घंटे लई 2 तों 5 लई पंजाब दीआं सारियां हस्तियां इत्थे पहुँचणगियां। उन्हां दे प्रोग्राम नूं सुण लई सारे चेचे तौर पर तुसीं पहुँचना कि अपना बड़ा इकट्ठ होना चाहिए कि जदों का यह अंदोलन असी शुरू किया सितंबर तो लैके लगातार पंजाब के सारे ही कलाकार वीर सारिया ही अपनिया भैन इस अंदोलन का दिन रात साथ दे रहे हैं। वो अपने प्रोग्राम छड़ के सारे ही रिझेवे छड़ के दिन रात बहुते तो किसान अंदोलन च विचरते हैं। कनवर गरेवाल, जस बाजवा, तो जिन्हें सोनिया मान, यह पूरी टीम है पंजाब के कलाकारां दी जिन्हें दिन रात एक किया सारे पिंडां च घूम घूम के शहरां च घूम के लगातार अपनी सेवा करते हैं। आपां कल नूं अचेचे तौर पर उन्हां दा जिहड़ा सारा प्रोग्राम है उन्हें देखने लई समां भी कढ़ना, तो पिछे बारियां पा लईए भुल्लां चुक्कां दी खिमा। तो पंजाब तो अलावा सब तो वड्डी खुशी की गल है यूपी दे विच 26 तरीक तो बाद वड्डियां महापंचायतां हो के 50-50 हज़ार दे इकट्ठ करके उन्होंने इस अंदोलन का साथ देने का सा जिहड़ा वो अहद लिया है अपने लिए कामयाबी की गल है। हरियाणे च बड़े इकट्ठ हो रहे हैं, परसों भी इकट्ठ सी, अज भी इकट्ठ कुरुक्षेत्र के नेड़े हो रहा, बहुत हज़ारों की गिणती च किसान पहुँच रहा, यह अंदोलन की कामयाबी है। बही कत के हरियाणे के किसान, हरियाणे तो औरतां लड़कियां ते बीबियां इहदे च हिस्सा पाउणा, इन्नियां बेनतियां करदा भुल्ला चुक्का दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।